हेलो गाइस, मेरा नाम है स्मित रंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक टेक्नो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ मेरे चैनल का कुछ अनाउंसमेंट को लेके। तो इसी में आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल में आप लोगों को फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाला है, फ्यूचर में कौन से चीज सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज तो रिवील नहीं करूंगा मैं आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा हिंट्स दूंगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, क्यों नहीं किए हो भाई, क्यों? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ए डिस्पेंसरी, क्या नाटक है रे? भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? और वो कुछ हिंट देता हूँ आपको कैसा होगा वो सरप्राइज, वो कुछ मेरे गियर के ऊपर होने वाला है। मैं एक छोटा सा चीज ऐड करने वाला हूँ अपने वीडियो में जो कि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक गाइज। जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा मेरा प्रीवियस वीडियो में जो लोग अच्छा कमेंट देते थे मैं उन लोगों का कमेंट और नाम के साथ अगले वीडियो में बोलता था, वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा कोई भी वीडियो का यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं देता था, वैसे ही कोई भी कमेंट उठा के मैं दूसरे वीडियो में डाल देता था जो कि एक प्लेलिस्ट के हिसाब से नहीं था। तो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा चेंजेस किया है जैसे कि आप लोगों को एक प्लेलिस्ट के हिसाब से कमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी आदमी मेरे फोटोशॉप के वीडियो में कमेंट देता है तो उसी का कमेंट मेरे अगले वाले फोटोशॉप के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर सेम के सेम कोई भी अनबॉक्सिंग के वीडियो में कमेंट देता है तो मेरे अगले अनबॉक्सिंग के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और सेम के सेम कोई भी अगर मेरा टॉप 10 टेक ऑफ द वीक का वीडियो में कमेंट देता है तो मेरा टॉप 10 टेक ऑफ द वीक का अगले वीडियो में उसी कमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर कोई भी आदमी मेरा टेक्निकल वीडियो हो गया या फिर रिएक्शन वीडियो हो गया जैसे कि अभी चल रहा है वैसे कि सेम के सेम चलेगा, वैसे कि सेम के सेम कमेंट उसको अगले वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरा खाली फोटोशॉप का वीडियो देखते हैं, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि खाली फोटोशॉप पढ़ते हैं ये चैनल पे, दूसरा वीडियो देखने को पसंद नहीं करते वो लोग। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। उन लोगों का कुछ कॉमेंट वगैरह रहेगा या फिर क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सबका आंसर देने की कोशिश कर सकता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग हैं मेरा टॉप 10 टेक ऑफ द वीक का वीडियो खाली देखते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि वो फोटोशॉप का वीडियो नहीं देखते, उन लोगों को फोटोशॉप सीखना नहीं रहता, तो सब चीजें उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो अगला चीज है भाई फोटोशॉप के ऊपर, जैसे कि आप लोगों को मालूम रहेगा मैं यहाँ पे बहुत दिन हो गया फोटोशॉप का वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। तकरीबन 2 महीने के बाद मैंने यहाँ पे 2 फोटोशॉप का क्लास लेके आया था आपके लिए जो कि बहुत ही कम व्यू आया था। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ मेरे फोटोशॉप के वीडियो में कितना भी कम व्यू आ जाए, चाहे 5 भी स्टूडेंट मेरे फोटोशॉप के वीडियो सीखे, मुझे उसी के जरिए भी अच्छा लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं फोटोशॉप यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि आप अगर वो पहला वाला कोड पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी चीजें क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप क्विट करने की सोच भी रहे हैं तो आप रिमेंबर करने का, आप याद करने का भाई क्यों हम वो चीजें चालू किए थे। तो ये चैनल मैंने चालू किया था स्पेशली फोटोशॉप के लिए, तो फोटोशॉप यहाँ पे पहले बंद नहीं होने वाला है और इजी स्टेज से लेके पूरा का पूरा डिफिकल्ट स्टेज तक आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो अगला अनाउंसमेंट है यहाँ पे, अगर फोटोशॉप का क्लास यहाँ पे एंड हो गया तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो फोटोशॉप यहाँ पे एंड नहीं होने वाला है। तो फोटोशॉप का जो यहाँ पे बेसिक स्टेज है, बेसिक स्टेज सीखने के बाद हम इंटरमीडिएट स्टेज सीखेंगे जो कि आप लोगों को प्रीमियर प्रो के साथ में देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फोटोशॉप के साथ प्रीमियर प्रो भी सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा फोटोशॉप का बेसिक स्टेज यहाँ पे खत्म होने के बाद हम प्रीमियर प्रो भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप पे कुछ चीजें बनाएंगे और उसी को प्रीमियर प्रो में लेके जाके एडिट करेंगे और उसको एनिमेट करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आपके घर में कोई भी पार्टी वगैरह हो रहा है, कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहा है, छोटा छोटा वीडियो के लेके आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे कि आप शादी वगैरह के वीडियो में देखने को मिल जाता है, वैसे ही सेम के सेम टाइप के वीडियो कैसे बनता है आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। और ये सभी चीजें सीख के आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत सारा चीजें सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बहुत सारा चीजें डिजाइन
डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो मेरा अगला अनाउंसमेंट है यहाँ पे यूट्यूबर लोगों के लिए, जो कि अभी बिगिनर्स लोग हैं, जो कि अभी अभी यूट्यूब पे आए हुए हैं, जिन लोगों को मालूम नहीं है भाई फ्री फुटेज कहाँ पे मिलता है, फ्री फोटो कहाँ पे मिलता है, फ्री म्यूजिक कहाँ पे मिलता है, तो मेरा अगले वाला वीडियो जो आएगा अगले हफ्ते में, वो वीडियो के जरिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो मैं वहां पे ऐसे 5 वेबसाइट डिस्क्राइब करने वाला हूँ, 5 वेबसाइट आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप लोगों को फ्री फुटेज देखने को मिल जाएगा, चाहे म्यूजिक के ऊपर हो जाए या फिर कोई भी दूसरे फुटेज के ऊपर हो जाए, टेक्निकल फुटेज हो जाए या फिर फोटो हो जाए, वो सभी चीजें आप लोगों को रॉयल्टी फ्री मिल जाएंगे। आप वही सभी चीजों को यूज करके आपके यूट्यूब में डाल सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं या फिर ट्विच में डाल सकते हैं, और आप लोगों को उसी में कोई भी तरीके का कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं लगेगा, जो कि आपको बहुत ही हेल्प साबित होने वाला है, बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो आपके वीडियो को बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक बना सकते हैं विदाउट कॉपीराइट क्लेम के। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपका कुछ कमेंट सुझाव और क्वेश्चन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पता है लाल कलर का बटन, बस छोड़ देने का उसको। बाकी हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।